हेलो फ्रेंड, जैसा कि देख पा रहे हैं आज मेरे पास टी वी एस की एक्सल 100 है। यहाँ पे दिख पा रहा होगा हेवी ड्यूटी, और इसमें जो रीज़न है यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, इसका मैंने कार्बोरेटर क्लीन किया, ईयर फिल्टर भी इसका क्लीन किया, बट इसमें जो है मिसिंग का प्रॉब्लम है, गाड़ी हमारी लोड नहीं ले रही है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे, और इससे पहले आपको दिखा देते हैं इसकी करंट वगैरह भी प्रॉपर है। ये जो रीज़न मेरे पास 3-4 बार आ चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो आपको दिखा दें ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए कि किस तरह गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकता है। और इस तरह से प्रॉब्लम होता है जैसे कि आपका वाल्व लीक कर गया, या फिर आपका प्रॉपर तरीके से ईयर और फ्यूल का मिक्सचर ना हुआ हो, और इस तरह से प्रॉब्लम करता है, गाड़ी मिसिंग मारती है। तो सबसे पहले आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखा देते हैं। गाड़ी को जैसे ही लोड देते हैं, गाड़ी एक्सलेट करते हैं, गाड़ी बंद पड़ जाती है, और एक जरा सा भी पिकअप इसमें नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम करंट चेक करवाते हैं। इसमें करंट जो हमारा प्रॉपर है, सिर्फ ऐसा रीज़न होता है कि अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर में ये 5 से 7 बार बंद पड़ जाएगी, और जैसे ही थोड़ा सा अगर ऑफ रोडिंग ड्राइव कर रहे हैं तो लोड लेते ही गाड़ी बंद पड़ जाती है, यानी एक जरा सा पिकअप नहीं बनाती। आपको यहाँ पे करंट चेक करवा के दिखा देते हैं। देख पा रही हमारी गाड़ी नॉर्मल में है, आइडलिंग में एकदम प्रॉपर है, आइडलिंग में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख पा रहे इसका जो करंट भी आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट भी हो रही, बट जैसे ही इस पर लोड देते हैं, गाड़ी हमारी एक जरिए से चलने को तैयार नहीं है। सबसे पहले आपको गाड़ी को लोड दे के दिखाते हैं। नीचे दबाओ तो गाड़ी को एक जरा से जैसे ही लोड देते हैं, गाड़ी हमारी फट से बंद पड़ जाती है। तो इसका जो रीज़न होता है, बहुत कन्फ्यूजन, मैंने इस तरह से पैकिंग भी चेक किया, बहुत से बार होता है कि ईयर वगैरह कहीं से ले ले तो इस तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आपके पास अगर इस तरह से प्रॉब्लम जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, वो जो हमारा प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे एसटी कॉइल, इसके बहुत से भाई एसटी कॉइल बोलते हैं, बोटल कॉइल बोलते हैं, और सीडीआई भी बोलते हैं, तो यही इसका ख़राब होता है। ये ख़राब होने का रीज़न है कहीं पे अगर वायर शॉर्ट सर्किट हो जिससे ख़राब होता है, या फिर इसमें जो टी वी एस एक्सल 100 में बहुत ही कॉमन रीज़न है। तो इसको ओपन करने के लिए 8mm का यहाँ पे एक नट होता है, इसको ओपन कर लेते हैं। और इसके वायरिंग डिटेल का वीडियो हम बना रखे हैं किस तरह से इसका वायरिंग वर्क करता है, वो वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आसानी से देख पाइएगा। तो इसमें देख पा रहे हैं ये 2 पिकअप कॉइल का वायर है, एक जो हमारा ये स्टार्टिंग का आता है इग्निशन से वो वायर है, और एक हमारा ब्लैक वाला अर्थ है, तो इसमें ये, और इसी में सारा हमारा इसका सीडीआई अलग से नहीं होता है, ना इसका जो है एसटी कॉइल या बोटल कॉइल, सारा चीज़ इसी में होता है। तो ये मैंने न्यू परचेज़ किया और इसको हम फिटिंग करेंगे। ये टी वी एस एक्सल 100 का है और इसका 1000 रुपये के लगभग दाम है। तो इसको कंप्लीट फिटिंग करते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। आपके पास अगर करंट का प्रॉब्लम जाता हो तो आप सिर्फ वायरिंग चेक करने के बाद डायरेक्ट इसी को चेंज करें, इसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है टी वी एस एक्सल 100 को लेकर। और इसमें वही प्रॉब्लम आपको बता चुके हैं कि लोड नहीं ले रही थी गाड़ी। तो इसको फाइनली फिटिंग करके फिर आपको हम दिखाते हैं कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता है। इसके अंदर एक अर्थ का वायर होता है, इसको डालना ना भूलें, और एक यहाँ पे चेचिस में एक लॉक होता है जो अंदर इस जगह पे असेंबल होगा यहाँ पे। तो इसको कंप्लीट टाइट करते हैं। इसको टाइट करने से पहले इसका वायरिंग कर लेते हैं। ये जो वाइट वाला सॉकेट है, वायरिंग की डिटेल भी आपको नहीं देंगे क्योंकि इसका वायरिंग का वीडियो अलग से बना के रखे हैं, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो इसकी जो पिकअप कॉइल का वायर, और ये इसका अर्थ का वायर, और ये इसका जो स्टार्टिंग का वायर है एक रेड वाला, इसको यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। अब इसको नॉर्मल यहाँ पे सिर्फ अर्थ डालने के बाद इसको फिटिंग करना है। तो दोस्तों फाइनली इसको हमने फिटिंग कर लिया। अब इसकी जो 8mm का नट यहाँ पे है, इसको फुल टाइट दे लेंगे। इस तरह से आपके पास भी प्रॉब्लम जा सकता है कि गाड़ी लोड ना ले, एक्सलेट करने पे बंद पड़ जाए, तो सबसे पहले इसी चीज़ को आप चेंज करें क्योंकि इसी में प्रॉब्लम होता है। इसका प्लग होल्डर वगैरह इधर कंप्लीट आता है। तो फाइनली गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप, हमारी गाड़ी एकदम प्रॉपर हो गया है। इसका भी टैंक वगैरह ओपन करके रखें क्योंकि इसका प्रॉब्लम बहुत जल्द समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें जो करंट का इशू था, और करंट आता भी है प्रॉपर, गाड़ी स्टार्ट भी होगी लेकिन लोड नहीं लेगी, इसलिए हम इसका कार्बोरेटर वगैरह क्लीन कर रहे थे। तो चलिए फाइनली इसमें टैंक वगैरह कंप्लीट लगाते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन था इसलिए आपको बता देने की कोशिश की। फाइनली सारी चीज़ों को हम फिटिंग करते हैं, फिर आपको एक बार स्टार्ट करके इसका स्टेप बताएंगे। लोड लेने की रीज़न, क्लच शू अगर भी आप रिप्लेस कर दीजिएगा, इसका अगर जेड वगैरह भी क्लीन कर दीजिएगा, टाइफाइड क्लियरेंस भी चेक कर लीजिएगा, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसका प्रॉब्लम यहाँ से होता है जो गाड़ी लोड नहीं लेती है। गाड़ी
बंद पड़ जाती है चलते चलते। थोड़ा सा भी अगर डिवाइडर में अप डाउन जैसे रोड हो, ऑफ रोडिंग, गाड़ी बंद पड़ जाएगी, तो इसी से रीज़न होता है। तो आपको वीडियो समझ में आ ही गया होगा। फाइनली सारे चीज़ों को फिटिंग कर लेते हैं। एक छोटा सा सिर्फ इन्फॉर्मेशन था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वायरिंग डिटेल वीडियो ज़रूर देखना, सेल्फ स्टार्ट का भी है और किक स्टार्ट का, नीचे डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके देखिए।